जय श्री बोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, बैग पैक करने का तैयारी कर लीजिए आप सभी लोग, क्योंकि बहुत जल्द शिविर लगने जा रहा है। और जो पहला शिविर लगेगा वो 15 मई को लगेगा। और जो मैंने वादा आप लोगों से किया था कि आप लोग कुछ समय इंतज़ार कर लीजिए और आप लोगों को मैं सानिध्य में बुला करके कुछ दिन के अंदर अंदर साधना करवा करके आपको सिद्धि प्रदान ज़रूर से ज़रूर करवाऊंगा। ये इन लोगों के लिए ये ऑफ़र है जो ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं, जो अपने घर पर बैठ करके साधना नहीं कर पाते हैं, वो माहौल नहीं बन पाता है, या फिर उन्हें साधना करने के जो नियम कानून परहेज हैं वो नहीं मालूम होते हैं, तो उनके चलते हुए एक साधना शिविर लगाया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है हमारे स्थान पे यूपी कानपुर में। तो किस प्रकार से आना है, किस प्रकार से साधना का चयन करना है, किस प्रकार से साधना को करना है, क्या उसकी अवधि रहेगी, क्या उसकी फीस रहेगी, सारा ब्यौरा आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों को जो फर्स्ट बैच में अगर आप आते हो तो फर्स्ट बैच की डेट दे दी जाएगी, या सेकंड बैच में आते हैं तो सेकंड डेट बैच की डेट आपको दे दी जाएगी, जिसमें कि आप लोगों को आसन माला प्रोवाइड किया जाएगा अगर आपके पास नहीं है तो। उसके बाद आपको वीडियो कॉल पर जो भी हमसे वार्तालाप करनी होगी, जो भी आपको हमसे जानकारी लेनी होगी कि मुझे ये साधना करनी है, मुझे सात्विक साधना करनी है, मुझे तामसिक साधना करनी है, तो वो सारी चीज़ें आपको वीडियो कॉल के माध्यम से बताई जाएंगी। फिर आप लोगों को साधना कौन कौन सी मैं करवाऊंगा वो आप जान लीजिए। पहली साधना है जो मरी मसानी की। दोस्तों, महाशक्ति मसानियों में मसानी, मरी मसानी, इन्हें हमारे क्षेत्र में और भी कई क्षेत्रों में बहुत चलन और बहुत पूजन में माना गया है कि इनकी जो प्रख्यात जो प्रसिद्धि है बहुत ऊंचे स्तर की है। सत्कर्म करने में मौके पर अगर किसी के ऊपर वार कर दिया जाए या किसी के ऊपर प्रयोग कर दिया जाए तो कांटे नहीं कटती है, इस प्रकार की ये इनकी पावर लेवल होती है। हालांकि आप लोगों ने देखा भी होगा मेरी वीडियोज़ में जो उनके अनुभव थे जब मैंने इनकी सिद्धि करी थी। तो जो ये साधना है ये उन लोगों के लिए है जो शत्रुओं से बड़े परेशान हैं, शत्रु बड़े उनको परेशान करते हैं, या फिर इनको पैसे की बड़ी दिक्कत होती है, उनके कोई काम नहीं बन रहे होते, उन्हें धन के मार्ग नहीं मिल रहे होते हैं, तो माता रानी की कृपा से आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी, शत्रुओं से छुटकारा मिल जाएगा। अगली साधना है मसानी मेलडी साधना। इसको मीठे तीखे दोनों में ही आपको बताया जाएगा कि आपको मीठे में पूजना है कि तीखे में, यानी कि सात्विक में या तामसिक में। इसकी जो साधना रहेगी दोस्तों, ये जैसे कि आप पहली मरी मसानी आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं, मेलडी मसानी अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो दो मसानियां मैंने सानी साधना में रखी है। अगली साधना है अघोरी साधना। इसमें दोस्तों दो तरीके के अघोरी सिद्ध करवाए जाएंगे, एक है सिर्फ अघोरी, एक है वीर अघोरी, ठीक है। तो वो किस प्रकार से सिद्ध करना है, किस प्रकार से नहीं करना है, क्योंकि अघोरियों की पावर लेवल सब जानते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सत्कर्म करने की क्षमता रखते हैं, किसी को भी पागल करने की क्षमता रखते हैं, किसी से अपना काम निकलवाने की क्षमता रखते हैं, सिद्धि को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं, सिद्धि को संकल्पित बंधित करने के लिए, सिद्धि खोलने के लिए, सिद्धि को बांधने के लिए, सब चीज़ों के लिए सत्कर्म के लिए माने गए हैं। तो उसमें से दो अघोरी सिद्धि के लिए मैंने बोला है। पहला है अघोरी, अघोरी में है गंगाराम, मनसाराम, कीनाराम और कनिपा, तो ये अघोरी में से आ गए, ठीक है। और एक इसके लेवल ऊपर के जाएंगे तो वीर अघोरी, ठीक है, वीर अघोरी आप लोगों को उसमें सिद्ध करवाया जाएगा। तो दो अघोरियों का ये मामला आ गया। अब अगली साधना है वीर और मसान की एक साथ सिद्धि, यानी कि कलवा वीर और तेलिया मसान, ये दोनों साधनाओं को एक ही मंत्र से आपको करवाया जाएगा और दोनों जो शक्तियां हैं वो एक ही मंत्र से आपको सिद्ध होंगी गारंटी के साथ, ठीक। ये तामसिक रूप से भी सात्विक रूप से भी आप लोगों को वीडियो कॉल के माध्यम से बता दिया जाएगा, वो आपकी स्कैनिंग चेकिंग करके कि आप किसके लायक हो, किसके हकदार हो। अगली साधना है दो जिन्नातों की साधना, यानी कि एक मंत्र से दो जिन्नात आपको सिद्ध करवाए जाएंगे पूर्ण सात्विक रूप से, समझ गए दोस्तों, ये सात्विक रूप से जिन्नातों को सिद्ध करवाया जाएगा और एक मंत्र से दो जिन्नातों को सिद्ध करवाया जाएगा। अगली साधना है
दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाली साधना, यानी कि जो अध्यात्म में, सूक्ष्मगत में और तंत्र लाइन में, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में बहुत समय से हैं पर सिद्धि साधनाएं करके सफलता प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, सिद्धियां तो बहुत हैं पर उनको देख नहीं पाते हैं, उनसे उनको आदेश कर कैसे जारी करना है, उनसे जुड़ना कैसे है, उनसे सवालों के जवाब कैसे पाने हैं, तो वो सारी चीज़ें जो रहेंगी वो दिव्य दृष्टि साधना इस तरीके से करवाई जाएगी कि सामने वाला साधक अगर सिद्धि प्राप्ति किए हुए है, सिद्धि है उसके पास एक्चुअल में, तो उसको हम दिव्य दृष्टि साधना से उसका त्रिनेत्र जागरण करके देंगे और उसको उसकी सिद्धि के दर्शन, उसको प्रैक्टिकल, उसके सवालों के जवाब, वो सारी चीज़ें आपको करवा करके देंगे। ठीक है, अगली साधना है कालिया प्रेत, जो सबसे खतरनाक शक्ति है कालिया प्रेत की। ये दोस्तों ऐसा प्रेत है कि जिस जगह आप इसको भेज दोगे, चाहे शमशान में भेज दो, चाहे कब्रिस्तान में भेज दो, चाहे नदी के किनारे भेज दो, चाहे खंडहर में भेज दो, या किसी के मातम में भेज दो, मंदिर में भेज दो, मस्जिद में भेज दो, गिरजाघर में भेज दो, कहीं भी आप किसी भी स्थान पर इसको भेज दो, तो वहाँ पर जा करके जो वहाँ की शक्तियाँ होंगी उसको वो काबू में करके उनसे वो कार्य करवाता है। तो दोस्तों ये बड़ी खतरनाक और एक बिल्कुल गुप्त साधना है। ये बड़े बड़े तांत्रिकों के पास ये सिद्धि होती है, जो अपने चेलों को भी ये नहीं करवाते हैं। तो दोस्तों जितनी मैंने साधनाओं की लिस्ट आप लोगों को बताई है, ये सब षटकर्म करने में सक्षम है, और जो दो जिन्नात वाले हैं इसमें ये वशीकरण स्पेशलिस्ट साधना रहेगी। तो जिन जिन लोगों को सानिध्य साधना शिविर में जुड़ना हो तो रजिस्ट्रेशन सर्वप्रथम होगा, उसके बाद आपको फर्स्ट बैच में आना है कि सेकंड बैच में आना है, अपने टाइम अनुसार आप अपना बैच डिसाइड कर सकते हैं। उस बैच में आपको डाल दिया जाएगा, उसके बाद आपको बुला लिया जाएगा। बुलाने के बाद आप 5 दिन हमारे यहाँ पे रुकेंगे, 5 दिन में आपको साधना बैठाल करके सामने करवाई जाएगी, सारी चीज़ें एक्टिवेट की जाएगी, सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, सारी शक्तियों से जोड़ा जाएगा, कैसे आपको प्रैक्टिकल करने हैं, कैसे शक्तियों से जवाब लेने हैं, कैसे दूसरों का भला करना है, कैसे दूसरों का अहित करना है, जो आपका अहित करे उससे उसको उसका रिजल्ट कैसे आएगा, कैसे आपको पहचान होगी, सत्कर्म कैसे करने हैं शक्तियों से, शक्तियों को बांधना कैसे, खोलना कैसे, तो वो सारा प्रकरण आपको 5 दिन के अंदर अंदर गारंटी के साथ सिखाया जाएगा। और ये ऑफर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मेहनत कर सकते हैं बट पैसे से कमज़ोर हैं, ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं, बट हाँ साधना में रुचि रखते हैं तो वो आ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय श्री भोले।